खबर के साथ भोपाल से, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज एमपी का दौरा है। सिंगरौली और सीधी में जनसभा को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री। कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सिंगरौली और सीधी दौरे पर रहेंगे। और भोपाल से ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अनुराग, किस तरह का कार्यक्रम आयोजित है, रक्षा मंत्री जब पहुंचेंगे कितने बजे पहुंचेंगे, कौन कौन शामिल होगा, किस तरह की तैयारियां? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से महत्वपूर्ण दौरा है राजनाथ सिंह का, स्पीकर की बात करें तो। और क्योंकि अगर हम बात करें सिंगरौली और सीधी यात्रा समीकरण के जल्द से बहुत मजबूत हो जाता है, दोनों ही बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर लोकसभा क्षेत्र एक ही लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन अगर सिंगरौली की बात करें तो कई सारे जो प्रदेश है उनकी कनेक्टिविटी वहां से होती है, सिंह लगभग उतना ही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इसका बड़ा प्रभाव इस लोकसभा पर रहता है और यही कारण है कि राजनाथ सिंह जो है वो आज पहुंच रहे हैं और दोनों ही जगह पर जो है अपने कार्यक्रम उनके हैं, सिंगरौली में भी और सीधी में भी। और सिंगरौली की अगर हम बात करें तो सिंगरौली में महासभा का आयोजन किया गया, महासभा का, जहां पर राजनाथ सिंह का संबोधन होगा। लेकिन इसके साथ ही अगर बात करें तो दोनों ही जगहों पर सिंगरौली में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी चुनाव कार्यालय, वहां राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं, मतलब काफी समय देने वाले हैं। और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग भी उनकी मौजूदगी में होने वाली है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम देखें इस लिहाज से और खास तौर पर जातिगत समीकरण और बॉर्डर इफेक्ट के हिसाब से राजनाथ सिंह का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए सीधी लोकसभा क्षेत्र के। जी, तो बिल्कुल सीधी और सिंगरौली के दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देखना होगा किस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं और क्या कुछ दिखाई देता है। बने रहिए आप हमारे साथ अनुराग। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सिंगरौली और सीधी के दौरे पर रहेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे और कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे।